अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू गिविंग यू द एट्थ लेक्चर ऑफ मैथ्स फॉर क्लास थ्री स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 28. टुडे वी विल सॉल्व यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 5. सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. टुडे द नंबर ए इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 6208 एंड 4489. स्टूडेंट्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस. यू कैन सी ओवर हियर, आपने उसी तरह से वैल्यूज़ को वर्टिकली प्लेस करना है. यू विल राइट द बिगर नंबर ऑन द अपर साइड एंड लोअर नंबर ऑन द डाउनवर्ड. और आपने यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड लगाकर उसको सब्ट्रैक्ट करना है. 18 - 9 इज 9. यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 आएगा क्योंकि हम जीरो से कैरी नहीं कर रहे, हम जीरो से बोरो नहीं ले रहे, हम 2 से उसको बोरो करके 1 बना रहे हैं. तो इधर रह जाएगा 1, इधर रह जाएगा 9. सो 9 - 8 इज 1, 11 - 4 इज 7 एंड 5 - 4 इज 1. यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन आपकी होनी थी. नेक्स्ट इज नंबर बी. ज़ारा वेंट फॉर शॉपिंग एंड पेड 9823 फॉर अ वॉच एंड अ ब्रेसलेट एंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच वॉज 4965. हाउ मच डिड द ब्रेसलेट कॉस्ट. स्टूडेंट ज़ारा जो है वो शॉपिंग पे जब गई है तो उसके पास टोटल कॉस्ट जो गिवन थी दोनों चीज़ों की वो थी रुपीज़ 9823, जिसमें वॉच और ब्रेसलेट दोनों कॉस्ट थी. आपको एक कॉस्ट गिवन है और टोटल कॉस्ट. जब भी टोटल कॉस्ट गिवन हो और किसी एक चीज़ की वैल्यू गिवन हो, दूसरी चीज़ की वैल्यू जब भी आपने फाइंड आउट करनी हो, तो आप हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करते हो. यू विल सब्ट्रैक्ट द सम्स. वर्ड प्रॉब्लम के अंदर स्टूडेंट स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है. दैट्स वाई मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन आपको आती है सबको. नंबर सी इज अरसलान हैज 7542 मीटर्स ऑफ रिबन. अरसलान के पास कितना रिबन है? 7542. ही यूज्ड 5653 मीटर्स ऑफ फॉर डेकोरेशन. उसने डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कितना किया? 5653. हाउ मच रिबन इज लेफ्ट विद हिम. अगेन जब बात लेफ्ट की हो रही है कि उसके पास बच कितना गया, तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखेंगे. मेक श्योर कि आप खुद से भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं लेकिन वो सही हो, ईजी हो. आप उसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड द आंसर विल बी 1889 मीटर्स. आप रुपीज़ की जगह पे रुपीज़ लाजमी लिखेंगे, मीटर्स किलोमीटर्स की जगह पे एम या के एम जो है वो उसको लिखेंगे. नेक्स्ट इज नंबर डी. अ शिप हैज़ टू ट्रेवल अ टोटल ऑफ 5236 किलोमीटर. टोटल उसने अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए इतना सफ़र तय करना है. इट हैज़ ट्रेवल 2429 किलोमीटर्स. और उसने ट्रेवल कितना कर लिया है? 2429. हाउ मच डज इट नीड टू ट्रेवल फर्दर टू रीच इस डेस्टिनेशन. मज़ीद उसने कितना सफ़र करना है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए. डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल. टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है और जो उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है या जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो आपको गिवन है. मज़ीद आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो आपने फाइंड आउट करना है. मेक श्योर कि आप किलोमीटर्स जो हैं वो लिखेंगे. आप टोटल डिस्टेंस में से शिप ट्रेवल्ड वाले जो किलोमीटर्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज नंबर ई. अ क्लास नीड टू रेज टोटल ऑफ रुपीज़ 8750 फॉर अ पिज़्ज़ा पार्टी. क्लास ने अगर पिज़्ज़ा पार्टी करनी है तो उन्होंने इसकी अमाउंट जो स्टार्ट किया कि वो कलेक्शन करेंगे रुपीज़ 8750 की. द टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट इज़ रुपीज़ 8049. और वो अपनी पूरी क्लास में से पैसे कितने इकट्ठे कर चुके हैं? दैट वॉज दिस अमाउंट. हाउ मच मोर मनी इज़ नीड. जब भी मोर मनी, लेस मनी, हाउ मच मोर, हाउ मच लेस, वट इज़ द डिफरेंस, हाउ मच इज़ लेफ्ट, ये वाले आपके स्टेटमेंट्स आ जाएँ तो रिमेंबर स्टूडेंट्स के आप लोगों ने उसको माइनस करना है. आपको पार्टी के टोटल जो पैसे चाहिए थे वो थे 8750. आपने अपनी क्लास से जो कलेक्शन की है वो है 8049. मज़ीद आपको कितने पैसों की ज़रूरत है कि आप पिज़्ज़ा पार्टी अपनी क्लास में अरेंज करेंगे? तो आप टोटल मनी जो आपने अलॉट किए हैं और जो आपको आप कलेक्शन हुई है उसमें से उसको माइनस करेंगे. यू विल गेट द राइट आंसर. अगेन आई एम सेइंग कि आपने अपनी स्टेटमेंट्स में वो लाजमी तौर पर लिखनी है. स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब वर्ड प्रॉब्लम करनी है एक पेज पे दो से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम आप लोग हरगिज़ नहीं करेंगे और आप लोग अपनी स्टेटमेंट्स खुद से बना के लिख सकते हैं. नंबर एफ इज अली हैड अ ग्रॉसरी बिल ऑफ रुपीज़ 2367 एट अ स्टोर.
अली जब ग्रॉसरी अपनी लेने गया तो उसका बिल जो था वो इतना बना, ही पेड ₹3,000, लेकिन उसकी पॉकेट में जितने पैसे थे वो थे 3,000 एज द कैश काउंटर जो उसने दिए। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक फ्रॉम द कैश काउंटर, अब कैश काउंटर ने उसको कितने पैसे वापस किए। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि वो 2,367 को माइनस कर देते हैं 3,000 में, जबकि क्या होता है स्टूडेंट्स हमेशा हम लोग बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू। अली पेड एट द कैश काउंटर, उसने पैसे कितने दिए 3,000 और उसका बिल कितना था, दैट वॉज 2,367। आपने 3,000 को इसमें से माइनस करना है, मेक श्योर कि आप इसको ठीक तरीके से करेंगे। नंबर जी में स्टूडेंट्स आपको 4 कंटेनर्स दिए गए हैं, बिलो आर गिवन 4 जार्स एंड दे आर डिफरेंट कैपेसिटीज टू होल्ड वाटर, जिसमें आपकी 4 कैपेसिटीज इसमें गिवन है। ए में 1,000 कैपेसिटी है ml, बी में 750 ml कैपेसिटी है वाटर की, सी में 500 ml और डी में 100 ml। वट इज़ द डिफरेंस इन द कैपेसिटी ऑफ जार ए एंड जार सी, डिफरेंस पूछ लिया है तो जार ए में से जार सी को आप लोग माइनस करेंगे। नंबर टू है, हाउ मच मोर वाटर कैन जार बी होल्ड देन जार डी, आप बी का कैपेसिटी चेक करें दैट इज 750, डी की कैपेसिटी है 100 ml, आप बी में से डी को माइनस करेंगे। इन दोनों को मैं आपको आगे दिखाना चाह रही हूँ, देखिए ए और सी का डिफरेंस ये आ गया, आपने ऊपर ए की वैल्यू लिखी फिर बी सी की लिखी। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि आपने बी को डी में से किया सब्ट्रैक्ट के बी की वैल्यू लिखी एंड देन आपने डी की वैल्यू लिखी, द जार बी होल्ड मोर वाटर डेट इज 650 ml। नेक्स्ट नंबर सी देखिए, इज द कैपेसिटी ऑफ जार बी ग्रेटर देन दैट ऑफ जार सी, वो पूछ रहा है कि बी की कैपेसिटी सी और डी दोनों से क्या ज़्यादा है, दोनों मीन्स सी और डी ऑल टुगेदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग जार सी और जार डी का टोटल लेंगे, इन दोनों का टोटल लेने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 600, जबकि अगेन आप देख रहे हैं कि जार बी की वैल्यू जो है वो 750 है, आप 750 में से इस 600 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि जार बी की वैल्यू फिर भी ज़्यादा है। सी और डी को अगर आपने इकट्ठा भी कर लिया है तो फिर भी जार बी की जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। सो ग्रेटर कैपेसिटी है जार बी की एज कम्पेयर टू जार सी एंड जार डी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच लेस वाटर कैन जार बी होल्ड देन जार ए, आपने जार ए में से बी को माइनस करना है, जार ए की कैपेसिटी है 1,000, बी की कैपेसिटी है 750 ml, आप इसको इसमें से माइनस करेंगे यू विल गेट द करेक्ट, इसको आप करेंगे तो ये इट्स वेरी इजी, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। And these are very easy. Use the jar capacities to see this. Students, unit 2 के अंदर हम लोगों ने only first 5 exercises जो हैं वो first term तक के लिए करनी है। हमारा first term unit 2 के अंदर जो है वो exercise number 5 तक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग next chapter इंशाल्लाह start करेंगे first term का। First term में हमारा unit number 1 पूरा था, unit number 2 की first 5 exercises थी। अब इंशाल्लाह next lecture में आपके साथ नए unit के साथ में आऊँगी। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.